हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दशमलव पर के भाग सीखेंगे कि दशमलव पर के भाग को कैसे बनाया जाता है। मेरा भाग है कि 52.472/8, यानी कि हमको 52.472 में 8 से हमको भाग देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमको 8 से भाग देना है 52.472 में। तो हम इसको सीखते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। तो यहाँ जैसे कि ये 52 है मेरा, तो 8 के हम पहाड़े पढ़ेंगे, और ये 8 के पहाड़ा से ना 52 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा ठीक है, लेकिन इससे 52 से ज़्यादा हमको नहीं जाना चाहिए। चलिए हम 8 के पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8 5 40 और 8 6 48 और 8 7 56, यानी कि 56 52 से ज़्यादा चला गया है, तो 8 7 न लगाएंगे, 8 6 लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 6 48 हो गया, और ये 2 में से 8 नहीं कटेगा, 2 बगल में से 5 चलेगा, तो बन जाएगा 12। तो 12 में से 8 कटेगा, 4 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस होते हैं। और दशमलव के बाद वाले अंक हमको उतारना है, तो दशमलव के बाद वाले अंक उतारने से पहले हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे, उसके बाद हम अंक उतारेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 हो गया, तो 44 आ गया। तो फिर हम 8 के पार पढ़ेंगे, और 44 से ज़्यादा हमको नहीं जाना चाहिए, इससे कम हो जाएगा ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, 8 5 40 और 8 6 48, तो 48 से ज़्यादा हो रहा है, तो 8 5 40 लगा देते हैं, और इसको माइनस करते हैं। तो 4 में से 0 घट गया 4, और ये 4 से 4 कट गया, और यहाँ 4 उतारे हैं, तो ऊपर से उतारेंगे 7। और यहाँ फिर पढ़ेंगे 8 5 40 और 8 6 48, तो 48 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 मरतबे रखेंगे, तो 8 5 40 हो गया, तो घटेगा तो हो जाएगा 7, और ये कैंसिल हो गया, और 7 के बाद उतरेगा ऊपर से 2, तो 72 हो गया। तो 8 5 40 और 8 6 48, 8 7 56 और 8 8 64 और 8 9 72, यानी कि 9 मरतबे आ गया 72, माइनस होगा, तो मेरा ये कैंसिल हो गया, मैंने शेष कुछ नहीं बचा, तो मेरा ये भाग आ गया, ये भागफल है, ये मेरा भागफल आ गया इतना आंसर। यहाँ पे भाग दिए हैं, तो मेरा भागफल ये आ गया। तो इस तरह से दशमलव पर के भाग बनता है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि 427.31 भागा 13। तो चलिए हम इसको हम सीखते हैं। तो हो जाएगा 13 से हमको भाग देना है 427.31। तो यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ 2 अंक लेते हैं, 42 हो गया, तो 13 3 39, 13 4 52, तो 52 तो 42 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको कम करना है, तो 13 3 39, यानी कि 3 मरतबे हो जाएगा 39, तो घटेगा, तो 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो बगल में से 5 चलेगा, बन जाएगा 12। 12 में से 9 घटेगा, 3 हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर से उतरेगा 7। दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो यहाँ पर दशमलव होगा, और इससे पहले वाले अंक है इसलिए दशमलव हम नहीं देंगे। और यहाँ पे पढ़ते हैं, तो 13 2 26 और 13 3 39, तो 39 तो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हमको लाना नहीं है, तो 13 2 26, 2 मरतबे लगाएंगे, और ये माइनस करेंगे, तो 7 में से 6 घटेगा 1, और 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि 11 हो गया, और ऊपर से दशमलव के बाद वाला अंक उतरेगा, तो दशमलव के बाद वाला अंक उतारने से पहले हम यहाँ दशमलव देंगे, उसके बाद अंक उतारेंगे, यहाँ 3 उतरेगा, तो 113 हो गया। तो पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 और 13 9 117, तो 9 मरतबे 117 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 मरतबे यहाँ लगाएंगे, 13 8 104, तो यहाँ लिखेंगे 13 8 104, और 13 में से
तीन में से चार नहीं कटेगा तो पैंसल गया 13, तो 13 में से चार कटेगा 9 हो गया और ये मेरा कैंसिल हो गया। और तीन के बाद अंक उतारेंगे हम एक, तो यहाँ पर एक उतारते हैं तो 13 25 65, 13 6 78 और 13 7 91, यानी कि 7 मरतबे मेरा पूरा पूरा आ गया 91। तो 91 से 91 मेरा माइनस होगा तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा भागफल आ गया। यानी कि 427.31 में भाग दिए 13 से तो मेरा भागफल ये आया है 32.787। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप दशमलव पर के भाग सीख गए होंगे। तो हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो तक के लिए धन्यवाद।